बॉलीवुड से हॉलीवुड तक डंका बजाने वाली प्रियंका चोपड़ा इन दिनों इंडिया में हैं। मुंबई में जहां उन्होंने कई इवेंट अटेंड किए, तो वहीं अब प्रियंका को लेकर की एक अच्छी खबर सामने आ रही है। वेल, बात करें प्रियंका की तो प्रियंका चोपड़ा ने विदेश में जाने के बाद भी अपना देसीपन नहीं छोड़ा है। लॉस एंजल्स में शिफ्ट होने के बाद उनका मुंबई आना कम होता है, लेकिन बिजी शेड्यूल के बीच में वो टाइम निकालकर इंडिया ज़रूर आती हैं। प्रियंका चोपड़ा हाल में ही एक इवेंट में शामिल होने के लिए इंडिया आई। इसके साथ उनके पति निक जोनस और मालती भी पहुंचे थे। अब इंडिया आने के बाद देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा समय निकालकर भगवान राम के जन्मस्थली अयोध्या पहुँच चुकी हैं, जिसकी वीडियो सामने आई है। जी हाँ, वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि पीली साड़ी में एक्ट्रेस अपनी बेटी को गोद में लिए हुए भगवान श्री राम के दर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ क्रीम कलर के कुर्ते में निक जोनस भी नजर आ रहे हैं। राम मंदिर में कपल की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर छा गई है। निक और प्रियंका के वायरल हो रही वीडियो पर फैंस भी कॉमेंट कर रहे हैं और भक्ति की शक्ति लिख रहे हैं। कई यूजर्स ने हार्ट के इमोजीज कपल के लिए शेयर किए, तो वहीं कई यूजर्स प्रियंका के इस बर्ताव की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि सभी को प्रियंका के जैसा बनना चाहिए। प्रियंका भले ही भारत से दूर हों, लेकिन कभी भी उन्होंने भारत की मिट्टी से खुद को अलग नहीं किया। हमेशा ही प्रियंका भारत में आती हैं तो कुछ ऐसा दिल छू जाने वाला काम करती हैं कि फैंस उनसे और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। वेल, प्रियंका चोपड़ा इवेंट अटेंड करने के लिए इंडिया पहुंची थी, जहां उन्होंने बीते दिन ईशा अंबानी की पार्टी को भी अटेंड किया। इस इवेंट में एक्ट्रेस का साड़ी लुक और मेकअप काफ़ी वायरल हो रहा था। प्रियंका और मालती एक साथ होली मनाने के लिए पहुंचे तो निक भी उनके पीछे पीछे आए। मालती की ये इंडिया में पहली होली है, जबकि निक पहले भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ होली सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ चुके हैं।